पेनल्टी इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तू सुन रहे और इन्हें आशीर्वाद दे रहे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि पवित्र आत्मा की ओर से बता रहा हूँ कि जब तक आप नहीं कहेंगे परमेश्वर बस कर, परमेश्वर तब तक आशीष उड़ेलता रहेगा आज से आपके ऊपर, उड़ेलता रहेगा, आती रहेगी आशीष। मैं कह रहा हूँ ये आशीष आ रही है आज आपके ऊपर, उड़ेलता रहेगा, ये जग यूं है, ये पानी यूं रहेगा। याद रखना ये आशीष का जग आपके ऊपर उड़ेलता रहेगा। आप कहोगे बस कर मैं नहा लिया। मैं कह रहा हूँ इतनी आशीष आएगी आपके ऊपर, क्या आपको बिलीव है? ये पवित्र आत्मा है, कहता है आज आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो अब तक नहीं हुआ वो करेगा। कहता है कि आज आपके पास इतना कुछ होगा, इतना धन होगा, इतने पैसे होंगे, याद रखना कि आप रख रख कर भूल जाएंगे। आपके अंदर सिर्फ एक बात होनी चाहिए, आपके अंदर याद रखना वायरस आए, भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए, प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने आप को कभी भी भरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हम बर्तन खाली कर आते हैं। कई लोग जो हैं वो अपने बर्तन को ऐसे भर के रखते हैं, प्रचार भी करते हैं और बैठकर बुराई भी करते हैं। ये तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, और ये देखो जी कहते हैं कि भविष्यवाणी करनी थी तो ऐसे करनी थी कि कहाँ पे, कहाँ, वहाँ मतलब वहाँ बताना था, जहाज कहाँ टूटेगा, ट्रेन कहाँ टूटेगी। मैं कहूँगा इस बार तेरे सिर पर टूटेगी। मैं कह रहा हूँ कि अब अगर मैं ही भर जाऊँ ऐसे तो क्या होगा? करके बता कहाँ टूटेगी, कैसे टूटेगी, कहाँ टूटेगी। यार जो परमेश्वर बताता है उस पर विश्वास करो। अब एक बार तो बता दिया कि प्रधानमंत्री देश का मोदी जी बनेंगे, उस पर तो आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ उस पर भी स्टेटमेंट देना चाहिए ना। तो विश्वास करना मतलब भरे रहते हैं, फिर कहते हैं हमारे चर्च में एक बंदा नहीं आता। अरे भाई पैसा कमाने के लिए, कहते हैं आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, कहते हैं पैसा कमाने के लिए यूट्यूब चैनल पादरी बजिंदर ने आज तक नहीं चलाया, परमेश्वर ने मुझे चलाया और परमेश्वर मुझे चलाता रहेगा। याद रखना कहता है लेकिन जो बुराई करता है कहता है वो स्टॉप हो जाएगा। याद रखना पवित्र आत्मा आपको जानता है, कहता आप किस मनसा के लोगों, किस मनसे से 30,000 रुपए लेकर कौन सी बुराई कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा जानता है। कहता है लेकिन कहता जो पौधा मैंने लगा दिया उसको उखाड़ नहीं सकता। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आप चर्च में जा रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं तो आप कहता है कि आपको मन से भरना नहीं है। आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, आपके बारे में कोई कुछ कह रहा है तो उसी समय परमेश्वर को कहना परमेश्वर इसे माफ कर। मैं कह रहा हूँ आपने अपना मन खाली कर दिया, आप दौड़ते रहो, आप अपनी दौड़ में दौड़ोगे तो जीतोगे। लेकिन अगर आप दौड़ोगे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप दूसरों को देखोगे कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, और बाद में फिर उठाकर दिखा देते हैं कि तो यीशु मसीह ने दिखाया कि यहाँ पर भविष्यवक्ता झूठे होते हैं, यहाँ पर ऐसे होता है, वैसे होता है। जब आप इन चीजों को देखते हैं बुराई करने वाले, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि पहले अपने आप को झांक, जज मत कर। पवित्र आत्मा उन लोगों को कह रहा है कि आज कोई भी हो आपकी बुराई करे, इस औरत ने एक बात सीख लिया था, इस औरत को कई लोगों ने कहा, कहते हैं छोड़ दे इस मिस्ट्री को, देख तेरा पति मर गया, छोड़ दे इस चीजों को, ये क्या तेरा क्या बना। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, कहती कि मुझे मालूम है, कह रहा मेरा एक तोड़ा जो मुझे दे कर गया था मैंने उसे डबल किया अपने पति के द्वारा। कहती मैं सीख कर रही हूँ, कहते उसने कहा जहाँ टिकिया ईमानदारी से रहना, कहते यहाँ अनोइंटिंग प्लेस है, परमेश्वर के साथ के दास के साथ ईमानदारी रखना, ईमानदार बनाएगा तेरे को। और उस औरत ने अपना कर्जा तो उतारा तेल बेचकर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बाइबल बताती है कि उसने वो तेल बेचकर उसका बहुत सारी आशीषें खुल गई। ये एक एग्जाम्पल है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप तेल ही बेचना शुरू कर दो, मैं कह रहा हूँ कि आप जिस काम पर हाथ लगाओगे आज से वो बड़े बड़े बिजनेस खुल जाएंगे आपके यीशु के नाम में, आज से बड़ी बड़ी ब्लेसिंग खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। बस बिलीव करना है आज से कि पवित्र आत्मा आज रात मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? यहाँ पर पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि बस आपको एक ही काम करना है, अपने घर के डोर बंद कर दें, अपने दिल के डोर, अपने दिमाग के डोर बंद कर दो। वो क्या सोच रहा है पादरी बजिंदर ये नहीं सोचता, ये सोचता है मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अब मैं ये सोचता हूँ। हालेलुया। जो आप अगर आप ऐसा सोचने लगे तो आज पवित्र आत्मा आपको खाली नहीं रहने देगा। मैं कह रहा हूँ घर बैठोगे खाली नहीं रहोगे, काम मिलेगा आज रात के बाद कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, याद रखना काम मिलेगा, अमेरिका में कहीं भी होंगे काम मिलेगा आपको। जॉब नहीं है साइप्रस में, जर्मनी में, मैंने कहा था जॉब नहीं होगी 2024 में, सुनोगे आप 25 में जॉब नहीं होगी। लेकिन मेरे लोगों विश्वास करो, पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आपने डोर बंद कर दिया, शैतानी डोर बंद कर दो अपने दिमाग से, पवित्र आत्मा कह रहा जा आज से काम मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज से खाली नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा से भर जाएगा आज यीशु के नाम में, उसकी प्रेजेंस से भरोगे। हाथों को उठाओ और उसी समय उसकी प्रेजेंस से भर जाओ, उसकी सामर्थ्य से भर जाओ, उसकी चमत्कार से भर जाओ आज से। पवित्र आत्मा भविष्यवाणी करता हूं इन लोगों के लिए, गवाहियों से भर जाए आज, भर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके लिए डोर बंद मत करना परमेश्वर, खोल कर रखना, क्योंकि इनकी अटैचमेंट तेरे साथ होगी, तेरे दास का तेरा आदर कर रहे हैं पवित्र आत्मा। और इसी समय परमेश्वर ये जो जुड़े हुए अटैचमेंट है, जीसस तेरे साथ
हर वीरवार और संडे पवित्र आत्मा लाइव देखते हैं, मेरे प्रभु बीज बोते हैं, इनकी अटैचमेंट है परमेश्वर तेरे साथ, इन्हें विश्वास है पवित्र आत्मा कि अगर ब्लड पूरा हो सकता है, पवित्र आत्मा जी इनका दिया हुआ दान भी पूरा हो सकता है यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन में आशीष आ सकती है पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु अगर कोई चिंता से निराशा से भरा हुआ है बोझ के साथ कि कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, परमेश्वर मैं उसके अंदर से उस पहाड़ को बाहर फेंकता हूँ, खाली करता हूँ उस बर्तन को, प्रभु जब ये पश्चाताप के साथ तेरे पास आए, आज से इनके जीवन में बड़े छुटकारे हों यीशु के नाम में, आमीन। जिन लोगों ने विश्वास किया उनके जीवन में बहुत बड़े छुटकारे हो रहे हैं। आज ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 52 डेज में आपके तंगी के बीमारी के कर्जे के दिन खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बस आपको बिलीव करना है। ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है, और जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज उनके जीवन में बड़े बड़े मिराकल होंगे और बहुत सारी आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ फिर कि बहुत सारी चीज़ें जो है जब प्रभु दिखाता है तो मैं बोलता हूँ, उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। अब अलबा शब अलबा बलबा शब अलबा ANRSGH नाम वाले कहीं और घर बनाएंगे, आप फिर सुन लो, कहीं और घर बनाएंगे, कहीं और घर बनाएंगे, आपका घर कहीं और बनेगा। अब अलबा शब अलबा बलबा शब अलबा, आप जहाँ सोच रहे हैं वहाँ नहीं बनेगा। हो सकता है आप मुझे सुन रहे हो और देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि इनके एग्ज़ाम है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम है, कोई अच्छी स्टडी के लिए एग्ज़ाम है, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है और उन्हें आशीष देना चाहता है आज मेरे द्वारा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन बच्चों के जिनके एग्ज़ाम है परमेश्वर इसी समय उन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और उसी समय गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ स्वीटी सुधा आशा आपको घर की आशीष मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए खुलने के लिए जा रही है। मैं देख रहा हूँ किसी की हड्डियों में जोड़ों में और नसों में मांसपेशियों में कुछ प्रॉब्लम है, कमर में, और आप परेशान हैं, हरियाणा से मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा, आप रतिया से हिसार से देख रहे हैं, फतेहाबाद से, और इसी समय आपको हड्डियों में बैक पेन, और फरीदाबाद से कोई देख रहा है, मुझे दिल्ली से देख रहे हैं अभी इसी समय, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ एक नया रास्ता इस बहन के लिए निकाल दे। अब अलबा शब अलबा बलबा शब अलबा बलबा शब अलबा बलबा शब अलबा, नया रास्ता खोले यीशु मसीह नासरी के नाम, पवित्र आत्मा एक नई डोर खोल दे यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के बिजनेस पर ब्लैक मैजिक हुआ है और उनके पास कोई काम नहीं है। मैं फिर खास कर उन्हें बता रहा हूँ कि संडे स्पेशल प्रेयर है अनॉइंटिंग साल्ट वाली चंडीगढ़ के अंदर, तो उन लोगों को यहाँ पर ले हैंड प्रेयर कराना है, मैं उनके लिए पानी से और नमक से प्रेयर कर रहा हूँ उनके लिए, स्पेशल ले हैंड वालों के लिए, मैं सिर्फ स्पेशल बीज देने वालों के लिए, क्योंकि हम एक शेड बना रहे हैं और वो शेड का खर्चा ही 1.5 करोड़ है, और जो इस संडे नाम लिखवाएंगे उनके लिए भी प्रेयर होगी, और जो लोग स्पेशल ले हैंड बीज बोएंगे उनके लिए मैं नमक और पानी के साथ उन्हें पिलाऊंगा भी और उनके लिए ले हैंड करूंगा, ये याद रखना, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। देखो हमने यहाँ पर खोदना स्टार्ट कर दिया है, शेड खड़ा करना स्टार्ट कर दिया, अभी पोल गाड़ रहे हैं बड़े बड़े, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जिसका खर्चा अभी बहुत है, तो अभी इसी समय बारिश का समय, लेकिन हमने लेट शुरू किया, लेकिन अगर आप हेल्प करें तो पवित्र आत्मा आपको बहुत आशीष देगा, पवित्र आत्मा बहुत सारी ब्लेसिंग देगा इस शेड को बनाने के लिए। अभी मजदूर लगे हुए हैं, तो अभी इसी समय लोग सेवादार लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे आपको। नीचे नीचे तक देखो, जाकर पिलर गाड़ रहे हैं, मतलब मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होता, आपका बीज बोया हुआ सही जगह लगता है, ताकि आप फल, आपके घर में फल आए, आप ब्लेसिंग को देखें, आप बहुत सारी आशीषों को में डबल हो जाएं, आपका बीज जो है उपजाऊ भूमि पर गिरेगा और ब्लेसिंग को देखेगा। मतलब कि एक बहन ने बताया कि प्रॉफिट प्रॉफिट, मैंने कहा क्या हुआ, कहते कि हमारा बाथरूम चूर है, थोड़ी देर में कह रही प्रॉफिट प्रॉफिट हमारा कमरा चूर है, मैंने कहा क्या हुआ, कह रही कि देखो इसको, और अभी बारिश आने वाली है, मैंने कहा हाँ ठीक है अभी हम प्रेयर करते हैं आपके लिए। तो आपको समझना है कि जब आपका घर चू सकता है तो परमेश्वर का घर ऐसे पानी से टपके तो अच्छा नहीं। जो लोग उसके छत के लिए, आगे के 1:8 में लिखा कि यहोवा के लिए लकड़ी बीन कर ले आओ, उसका घर बनाओ, जिस बात से वो खुश होता है कि ताकि वो देखे और उसके बाद वो आपकी ज़िंदगियों में वो मिराकल करे, कहता है फिर वो लोग वंचित नहीं रहते, याद रखना कभी नहीं रहते। मैं जब कमाता नहीं था तो किसी ने मुझे कहा कि लेंटर डलना है चर्च का, तो उस समय में आप देखो मैंने पर्चियाँ कटवानी शुरू करी, इधर उधर से कबाड़ा चुगा,
बोतलें चुगी और शर्माता नहीं हो बताते हुए मैंने जाकर कबाड़ी को दे दिया। पैसे लिए, 5,000 मेरे से इकट्ठे हुए और मैंने 5,000 डाल दिए। प्रभु ने मुझे कहा, मैं कहता है कि तेरे पास लेंटर की कमी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा, कहता है तू बहुत लोगों के घर बनवाएगा, बहुत चर्च बनवाएगा, मैं तुझे इतना दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सारी ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी है और परमेश्वर दे भी रहे। एक्सिस अकाउंट में जो बैंक में जो बो रहे हैं, और इसी समय हम आपको पता है कि हमारा ऐसे बैंक बंद है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको जो लोग एक्सिस बैंक में बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उनके घर में आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज से पवित्र आत्मा जी इनके घर में, परिवार में पवित्र आत्मा बहुत सारी ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसे मैं देख रहा हूँ, कोई भाई बीज बो रहा है और अपना मन बना रहा है, इसका मतलब कि उसने अविश्वास का मन हटा दिया। जैसे कि वो व्यक्ति मुझे कह रहा था, कहता पता नहीं मैं बोऊंगा तो कल मम्मी देगी कि नहीं, कभी मेरे पास ये 500 हैं वो भी चले जाएं। मैंने कहा, जब खून 1 घंटे में दान करते हैं तो 1 घंटे में पूरा हो जाता है, तो आपको विश्वास करना है। कहता है कि बस आपको वचन पढ़ना और बिलीव करना, प्रार्थना करना, आपका बोया हुआ आपको कई 100 गुना वापस लौटाएगा यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कोई बहन अपने मन को खोल रही है और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है इस समय, परमेश्वर का आत्मा करा कि तेरे शोरूम को परमेश्वर एक शोरूम देने के लिए जा रहा, तुझे दुकान नहीं देगा, तुझे शोरूम देगा यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ एक भाई अपने मन को खोल रहा है हिसार से, और इस समय प्रभु का आत्मा कह रहा है आप बिहार से खोल रहे हैं, यूपी से खोल रहे हैं, दिल्ली से खोल रहे हैं, पंजाब से खोल रहे हैं, आप फॉरन से खोल रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इसी समय परमेश्वर आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ रहा है और वो मालो माल कर रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है जिनके नाम RGNSTV से, प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि आपका एक कपड़ों का शोरूम होने वाला है, आपका एक सिलाई सेंटर होने वाला है, आपके ऐसे कोई बड़े अच्छे काम होने वाले हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में मिराकल करने वाला है। अगर आप विश्वास करें तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में 100 गुना ब्लेसिंग देगा। बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कि VJNRSTL नाम वाले, मैं देख रहा हूँ कोई महाराज से बीज बोने के लिए दिल खोल रहा है और प्रभु का आत्मा कह रहा है शेड के लिए। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं एक नई कार आपको देने के लिए जा रहा हूँ, ये प्रभु का आत्मा है, आपको नई कार के साथ ब्लेस कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई जॉन, और इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई विलियम, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बलाबा शबलाबा गरिमा, मैं देख रहा हूँ कोई नितिका सुखा, और इसी समय मलिका, मैं कह रहा हूँ कि बंधन टूट गया आज आपके यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए मैरिज के रास्ते खुलेंगे। कहता है जो भी कोई घर में कोई प्रॉब्लम है, कहता है कि फाइनेंस की, वो दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जहाँ भी कोई पीड़ा उठ रही है, बैक प्रॉब्लम हो रही है, वो खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ किसी भाई के एलर्जी है सिर से लेकर और पीठ तक, इसी समय वो शराब टूट जाए। मैं देख रहा हूँ आपके बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने हाथों को उठाओ, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ और इसी समय प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जब ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपनी फोटो अपने डॉक्यूमेंट्स उठा रहे हैं घर बनाने के लिए, वीज़ा के लिए, पवित्र आत्मा बाहर जाने के लिए, पवित्र आत्मा जी इस समय बोल रहा हूँ कि जिनके नाम BNRSGHMPK से हैं, अमेरिका के लिए गुड न्यूज़ आ रही है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे और अंधकार के शराब को छोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम। और इस समय पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर जाए, अपने सिर पे हाथ रखो, आजाद हो रहे, देखो इसी समय चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता जिसके भी ऐनक लगी हुई है, चश्मे उतर जाए, इसी समय अनोइंटिंग आने पाए। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ जिसके कानों में ब्यारापन है, इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता एक बड़ी गुड न्यूज आने पाए, शुगर जाए यीशु मसीह के नाम में, थायराइड जाए, गिल्टियां जाए, इसी समय जोड़ों का दर्द जाए, गठिया बह जाए, व्हीलचेयर से खड़े हो जाए, और इसी समय कमर का दर्द जाए, बाल झड़ने बंद हो जाए, गले गिल्टियां गांठे में गले में से ब्रेस्ट में से बाहर जाए यीशु मसीह के नाम, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं से देख रहा हूं, कोई भाई मुझे देख रहा है, और इसी समय जैस्मीन आपका नाम है, परमेश्वर का आत्मा जॉब के लिए रास्ते खोल रहा है। मैं देख रहा हूं JRSTLVNOM, खासकर यूपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और ऐसे के नाम से, पंजाब में देखा मैंने, महाराष्ट्र में आपकी गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है। अगर आप बिलीव कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको 100 गुना बरकत दे रहा है, 100 गुना आशीष दे रहा है। मैं एक गवाही सुनेंगे इतने हम, और परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में काम और चमत्कार हो, लेकिन इस समय अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में 100 गुना बरकत दे, तो विश्वास करना है आपको कि मैं इस गवाही देखने के बाद बहुत सारी ब्लेसिंग को देखूंगा। हाँ हाँ सुनेंगे। जय मसीह की।
मेरा नाम विनीता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हमारी बहन को 5 साल से रसोलियाँ थी, बहुत इलाज कराया, वो सही नहीं हुई। तो हम दिल्ली ब्रांच में आए और हमने प्रार्थना करवाई, हमारी बहन की रसोलियाँ धुआं बन के उड़ चुकी हूँ। परमेश्वर का, परमेश्वर का दास का धन्यवाद दिल से करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। थे कि 4 साल से रसोलियाँ थी इस बहन को और काफ़ी समय से ये परेशान थी। पवित्र आत्मा ने अभी इसको हील किया जब इसने प्रोफेसी को सुना। दिल्ली से देख रही थी बहन। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, अभी आप गवाहियाँ सुनेंगे, धड़ाधड़ गवाहियाँ सुनेंगे। लाइन लगी हुई थी संडे चर्च में। मैं खास कर उन लोगों को बोल रहा हूँ जलंधर में और चंडीगढ़ में, अनॉइंटिंग वाटर और नमक के साथ मैं प्रेयर करूँगा, पिलाऊँगा भी बहुत सारे लोगों को पानी, और आप देखेंगे कि ब्लेसिंग को देखेंगे आप। और कितने लोग चाहते हैं कि खुदा के दास से पानी पिए, मैं उन लोगों को पानी पिलाऊंगा वहाँ पर खुद। बहुत सारे लोग और जो चर्च में होंगे उस समय वो आशीष को पाएंगे, और उन ले हैंड वालों के लिए स्पेशल अनॉइंटिंग वाटर सॉल्ट के साथ प्रेयर होगी। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। एक और गवाही को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ और उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग विश्वास कर रहे हैं। अबालाबा शबालाबा, जिनके ऊपर कर्जे हैं, कोई फाइनेंस है, बहुत सारी रुकावटें और गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, वो अपने सिर पर हाथ रखें और अपने हाथ में एक बीज पकड़ें। अगर आपको विश्वास है, या फिर आप 3 दिन लगातार आपको ये बीज बोना है, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको 3 दिन लगातार बीज बोना है, जैसे मैंने हाथ में पकड़ा ये बीज। और इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, जिनके पास सैलरी नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, फाइनेंस में प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा मैरिज नहीं हो रही, मैं उनके ऊपर से शराब को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। और प्रभु ब्लेसिंग दे आज यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जिन लोगों ने बीज बोया मैं उनके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, बताएगी किन किन लोगों ने बीज बोया। हाँ सुभाष, दिनेश, क्रिस्टी, सुनील, हाँ सुनो, सुभाष, दिनेश, क्रिस्टी और सुमन, प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि आपका एक टाइम था, लेकिन जब आप मतलब कि फाइनेंस को लेकर परेशान थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अब से 3 हफ्ते के बाद तीसरा महीना जब आएगा, फिर से सुन लो, 3 महीने और ये 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। तो प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आप अपने जीवन में, कहता है कि वो आर्थिक तंगी को कभी नहीं देखेंगे, आपके ऊपर तेल उडेला जाएगा और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। और आप कहते हैं आप चारों के ऊपर ये आशीर्वाद है कि आप जिस विदेश देश में जाओगे आप आशीषित हो जाओगे यीशु के नाम में। अगर मतलब कोई रुका हुआ काम तो वो बन जाएगा। हाँ हाँ नेक्स्ट। नेहा, अभय, जोशुआ, शालिनी, पूजा, शीला, अमु, मसी, रश्मि, प्रदीप, हाविल, संध्या, अनीता, देखो जिन लोगों के नाम लिए अभी, क्योंकि नाम लेकर मैं उन लोगों के लिए उनको ब्लेसिंग दे रहा हूँ, क्योंकि ये बात परमेश्वर ने मुझे कही, जिन लोगों ने दान दिया उनके लिए स्पेशल प्रेयर कर। जो लोग इस समय गूगल पे बो रहे हैं, जो लोग अपना नाम भेज रहे हैं, फिर से बता। दीप, डेजी, ब्रिजेश, साहिल, नहीं नहीं वो पहले वाले, रश्मि, अनीता, हाविल, संध्या, रश्मि, प्रदीप, थोड़े थोड़े पांच पांच करके, हाँ रश्मि, अनीता, हाविल, हाविल, संध्या, रश्मि, रश्मि, प्रदीप, रविंदर पाल। सुनो, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो गेजी के पास आया और गेजी अलीशा के पास आया और वो कहने लगा, इसने हमारे लिए खाट दी है, इसने हमारे लिए लैंप दिया है, इसने हमारे लिए, जब आप इसी वचन को पढ़ते हैं दूसरा राजा 4 अध्याय में, तो उसी में क्लियर लिखा, कह रहा है कि वो कुलीन स्त्री ने जब लैंप दिया, खाट दिया, लेंटर बनवाया, मकान बनवाया, कमरा बनवाया, टेबल दिया, प्रार्थना का सामान दिया, तो उसी समय उसने कहा कि अब बोल इसको क्या चाहिए। तो उसी समय उसने उसका नाम पूछा और उसने उसको कहा, उसके पास बेटा नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे नाम पूछा है कि किसने दान दिया है, आपने मुझे बताया नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि मैं इन लोगों को एक नई कार के साथ ब्लेस कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब आपका रोजगार कोई अब चलने लगेगा, आपके मम्मी रोजगार करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, आपका डैडी या आपका भाई, आप खुद करते हैं, तो आपका फाइनेंस अब बढ़ेगा। और नाम बताओ फटाफट जल्दी से। पढ़ दे सर। संगीता, अभिनव, ग्रेसी, मौर्या, नीता, मिरेकल, रंजीत, शकुंतला, जोर से बोल, एमेल, ध्रुव, सपना, देखो
आप जिनके भी नाम ये लिए हैं, इस फिर उनको कह रहा हूँ कि जब अलीशा के राज्य, अलीशा की जगह पर के लिए दान दिया गया, जब परमेश्वर के कामों के लिए बीज बोया गया, तब तब परमेश्वर ने उनकी ओर ध्यान दिया, क्योंकि पतरस ने कहा था कि परमेश्वर ये मेरी मिस्ट्री में इतना बोती थी दोरकास लेडीज़ और ये मर गई, तो उसी समय परमेश्वर ने कहा इसके मरे हुए काम जिंदा हो जाएंगे और वो खुद औरत जिंदा होगी पतरस के द्वारा। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप जब जिन लोगों ने बीज बोया है, परमेश्वर उनको इसी समय, जिनके नाम अभी लिए हैं इसने, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आज से आपके जो काम मरे पड़े हैं, चाहे वो बिजनेस हो, प्रॉपर्टी की दुकान हो, चाहे आपका कोई इस समय कोई बिजनेस हो या आपका बैंक में लोन मर गया हो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो जो मैं बोल रहा हूँ वो परमेश्वर की ओर से आपके ज़िंदगी में होने लगे। आप पढ़ाई में फेल हो गए हो, आप स्टडी में रह गए हो, या आपका कोई रिश्ता और वो रुक गया हो, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि अब वो ब्लेसिंग आएगी, वो मरे हुए काम जिंदा होंगे, जिसकी उम्मीद आपकी मर गई थी, जिन्होंने बीज बोया उनकी ज़िंदगी में खुशखबरी है। तो अभी इसी समय एक गवाही को सुनेंगे। हाँ हाँ, उसके बाद सबको जेम्सी की और पापा जी को भी जेम्सी की। मैं दुबई ब्रांच से रीना रानी बोल रही हूँ और मेरी गवाही है मेरी सिस्टर की। 17 साल बहुत होते हैं और मेरी सिस्टर इतना परेशान थी, इतना रो रही थी कि उसका इतना कभी कभी तो अपने आप को मारने की भी कोशिश करती थी कि सबके पास बच्चे हैं, मेरे पास बच्चा नहीं है। 17 साल परमेश्वर के महिमा के लिए जब जुड़ी और ऑयल भेजा, ऑयल उसने लगाना डेली शुरू किया और मेरी सिस्टर आज 17 साल बाद प्रेग्नेंट है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और रब दे दास जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय श्री कृष्ण। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। अभी देख, अभी आप देख रहे थे कि इस बहन के पास दुबई से देख रही थी और कितने साल से 17 ईयर से बच्चा नहीं था और आज ये गर्भवती है। कितनी खुशी की बात है। इसका मतलब जब ये ऑनलाइन सुन रही थी परमेश्वर ने आज़ाद किया। मैं इसी समय उन बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनके नाम SNRMPGHLK से, बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। खासकर बोल रहा हूँ जिनके पास बेटे नहीं है, मैं उनको आगे बुलाकर एनॉइंटिंग वाटर और साल्ट पिलाना है मुझे। और प्लीज़ आप इस मीटिंग में ज़रूर आएँ क्योंकि परमेश्वर बहुत खुशखबरी देने के लिए जा रहा है आपको। जिनके पास बच्चे नहीं हैं, मैं फिर कह रहा हूँ जहाँ भी आप जाते हैं लेकिन एक बार विजिट करके देखो, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए उतरेगी। और फिरोजपुर में हम मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं पंजाब में, तो आपको जल्दी खुशखबरी मिलेगी। और आपको राजस्थान नज़दीक पड़ता है, अबोर नज़दीक पड़ता है, बठिंडा नज़दीक पड़ता है, और इसमें आपको फाजिलका और ये हिसार सिरसा आपको नज़दीक पड़ते हैं, जो जो वहाँ मुग्गा लुधियाना आपको आ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। आप देखेंगे ऐसी मीटिंग आपने कभी देखी नहीं होगी, मिराकल होंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। डेट मैं आपको जल्दी बताऊँगा, वैसे आपको बता देता हूँ कुछ कुछ, इसी समय 11 तारीख आप तैयार हो जाएँ जुलाई। परमेश्वर आशीष दे। और लेकिन हमारे लिए प्रार्थना करें डेटों के लिए कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग दे, हम इस मीटिंग को कर सकें। पवित्र आत्मा आपको 100 गुना आशीष दे। तो आइए हम एक जो जो रह गए हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, जो जो बीज बो रहे हैं उनके नाम बता। रहमा, जॉन, उत्तम, इधर कर, संजय वर्मा, लुईस, विपुल, सृष्टि, रूपम, लवीना, अजय, विनय, एनी, अभिषेक, हेमंती। देखो ये जिन लोग अभी लोगों ने बीज बोए इनके नाम के लिए, पवित्र आत्मा ने मुझे अभी कहा कि मैं फिर वचन से बता रहा हूँ आपको, जब अब्राहम ने जाकर याजक को अपना दान दिया, उस दिन से उसके लिए रास्ते खुले, उस दिन से उसके ऊपर अभिषेक आया, जब उसने अपना दशमांश दिया। जब आपने बीज बोया तो मुझे पता लगा कि आपने बीज बोया। मैंने जिन लोगों के अभी नाम लिए हैं बच्चों के, इन्होंने तो उनको एक आशीष दे रहा हूँ आज मैं, क्योंकि ये भविष्यता के ऊपर आशीर्वाद होता है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं ये टल्ले नहीं मार रहा हूँ, होली स्पिरिट ने मुझे कहा, प्रभु ने मुझे कहा कि अब से कहता है कि आप जिस काम पर हाथ लगाएंगे सफल हो जाएंगे। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आपको सिर्फ 3 दिन आपको फास्टिंग करना है, 1 महीने के अंदर करना है, ये 1 महीने के अंदर, आज से अगले जुलाई 27 तक 1 महीने के अंदर करना है, 28, 29, 30 तक आप कर सकते हैं। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आपके ऊपर कोई कर्ज था
इसलिए आप बढ़ नहीं पा रहे थे। और वो कर्ज, जैसे कि हर साल कोई ना कोई इसी उसी टाइम पे कोई प्रॉब्लम आना, हर साल उसी टाइम पर कोई बच्चा गिर जाना, मिस कैरेज हो जाना, हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा हो सकता है कि आपने जो जॉब लगाया लेकिन आप सफल नहीं हुए। प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कोई कर्ज था, और वो कर्ज अब बंधन, इसका मतलब वो चक्कर था, शैतानी चक्कर, अब आपके ऊपर से वो टूट गया आज यीशु मसीह के नाम में, और ब्लेसिंग को देखेंगे अब आप। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपके घर में से कोई गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक नया रोजगार और एक घर की आशीष आपकी शुरू होने वाली है। आमीन। हाँ, और किसने बोया है बताएंगे? गुरमेल, विशेंद्र, धर्मवीर, जीत, लीना, अभिनव राज। हाँ, और अभी इसी समय जिनके नाम लिया, अभी इसी समय के उन लोगों को जिनके नाम भी नहीं आ रहे, कोई मैसेज आ रहा है तो वह भी बता दे। बी कॉम ऐसे कोई निशा, गुड़िया, निविका, मनो, शालिनी, संतोष, सन्नी, शिवम, अंबिका, ममता, कपिल। हाँ, तो आप इन लोगों ने जिन्होंने बीज बोया और जो नहीं बो पा रहे, तो इसी समय जिन्होंने बैंक अकाउंट में बोया है और जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो अपने हाथ करो इधर, और देखो एक मिराकल शक्ति ये उतरती है कि नहीं, क्योंकि एलिया ने कहा अहाब को कि तू जा, बारिश आने वाली है, लेकिन उसने विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने कहा जा, सात बार कहा, तब वो भागा, मतलब एक बूंद जब उसके सिर पर गिरी तो चमत्कार हुआ। मैं अब आपको कह रहा हूँ कि उसको विश्वास हुआ और वो दौड़ा। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप भी मेरी बात पर विश्वास ना कर रहे हो, लेकिन एक बूंद गिरेगी। अब आपको बूंद कैसे कह रहा हूँ कि एक पंख, एक मिराकल कॉइन, मतलब एक पंख ऐसे उड़ता हुआ आपके कोर्ट के पास गिरेगा, आप बाहर निकलेंगे, अभी डोर से आपके बाहर पंख गिरा होगा आपके बाहर, अबालाबा शब अलाबा बलाबा शब अलाबा, जाओ एंजल। और इस समय जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इनके घर के डोर के बाहर वो पंख डाल कर आओ, इनके घर की छत पर डाल कर आओ, इनके किचन में, इनके बेडरूम में वो पंख खाने पाए, इनकी कोर्ट में, इनकी जेब में पंख, मिराकल पंख खाने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो स्वर्गदूतों के पंख आए, वो स्वर्गदूतों के पंख आए यीशु मसीह के नाम में, पंख आए, स्वर्गदूतों के पंख आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, सच में इन्होंने जो बोया, इनके बड़े बड़े बिजनेस खुले, इनके बड़े बड़े काम खुले यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम, और परमेश्वर ये मिराकल हो जाए इनके साथ यीशु के नाम, आमीन। अभी देखना आप कि ये मिराकल कॉइन आपके साथ आएंगे, और जिन्होंने एक्सिस बैंक में बोया उनके नाम आ रहे हैं मेरे पास, और इसी समय उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। आइए हम एक अभी इसी समय अपॉइंटमेंट लेंगे, पवित्र आत्मा काम करे। हाँ हाँ, बहन कहाँ से बोल रहे हो? हेलो, हाँ जय मसीह की, कहाँ से बोल रहे हो? दुबई से। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे गुस्सा तो मुझे भी आता है, कोई बात नहीं, अभी प्रेयर करते हैं, लेकिन वो गुस्सा के कारण अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते या निराश होते हैं या कुछ आपके उल्टे विचार आते हैं या कोई आप गुस्से के बाद बीमार पड़ जाते हैं, तो वो गुस्सा ठीक नहीं है। मतलब ना, ज़्यादा देर गुस्सा नहीं करना, आपको शाम होने से पहले, सूर्य ढलने से पहले पश्चाताप करके सोना है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसको छोड़ना है, माफ़ करना है, ठीक है ना। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। अब अलाबा शब अलाबा बलाबा शब अलाबा, आपको सुनो, कोई बैड ड्रीम आते हैं आपको, पेन होता है आपके यहाँ पर पेन होता है आपको, पेन मैं देख रहा हूँ, सुनो, आपके यहाँ पर पेन देख रहा हूँ, शोल्डर में पेन देख रहा हूँ, शोल्डर में बहुत पेन देख रहा हूँ, यस यस, और अभी आप महसूस करेंगे वो पेन ख़त्म हो जाएगा। और आप जहाँ काम पर भी जा रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो अभी प्रभु का आत्मा करा कि मैं बढ़ाऊँगा और फाइनेंस में भी आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में, अभी इसी समय आज़ाद हो जाओगे। लेकिन एक ब्लैक मैजिक कई सालों से आपके ऊपर हो रहा था, इसलिए आप फंस रहे थे, लेकिन अभी इसी समय आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इसी समय उन एंजल को भेजता हूँ, जाओ एंजल, और इसके आसपास जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसको हील करो, हील करो, हील करो, हील करो, चलो मुंह खोलो और चिल्लाओ और निकल जाओ इसके अंदर से, बाहर आए, बाहर आए, खाया पिलाया बाहर आए, खाया पिलाया बाहर आए, चलो उसी समय गंदी आत्मा बाहर यीशु मसीह के नाम, चल निकल रहा तू, ना 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 ना, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, निकल आओ, चलो उसी समय मुंह खोलो और चिल्ला और निकल जा, तेरा टाइम आखिरी है ये, चल निकल जा, चल शैतान, तेरा टाइम एक्सपायर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, चल इस रेडी के अंदर ठहर नहीं पाएगा तू,
जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, डा 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 ले 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 ले, जल रहा है तू, जल रहा है, जल रहा है, आग आ रही है, डा 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 डा, बाहर रहा है ईश्वर का नाम, बाहर रहा है ईश्वर का नाम, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल, बोल बोल, निकल रहा है, बोल, मारने हैं इसको, चल निकल जा, इसी समय मारने हैं इसको, मारने हैं इसको, ना 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 ना, मारने हैं इसको, मारने हैं इसको, चल बाहर, डा 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 डा, चल बाहर यीशु मसीह के नाम में, आदेश देता हूं तुझे, बाहर यीशु मसीह के नाम में, चलो बाहर, इसी समय फ्री फ्री यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इसको हील कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अभी अभी बेटे अभी बिल्कुल अभी देखो कंधे हील हो रहे हैं आपके, आप बैड ड्रीम जा रहे हैं और जिसमें वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चली गई है, अभी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पीना, आपको अपना वाटर उठाओ, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसी समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल में ब्लेसिंग देता हूँ और आज से ये ब्लेसिंग को देखे यीशु मसीह के नाम में, इसके भर परिवार इसी समय ब्लेसिंग पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। ऐसे ऐसे किसको बोलते हो, ऐसे मनी, मनी कौन है, मनी चंद्रा, मनी आपके हस्बैंड का नाम, किधर रहता है वो, नेपाल में, हाँ चंद्रा मनी, मनी अब तुम्हारे पास बहुत मनी आ रही है, ठीक है, हाँ गुड न्यूज मिलेगा, लेकिन आज आपने वचन को सुना कि लोगों को बताओ, आज अपने खाली बर्तन को भरना कैसे है, जब लोगों को बताते हैं, गवाही देते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, शेयर करो वीडियो को, लोगों को बताओ, तो उससे क्या होता है कि जब आप उसी समय परमेश्वर आपको भरना स्टार्ट करेगा अपनी अनॉइंटिंग से, आपको ज़्यादा देना स्टार्ट करेगा, आपको खाली बर्तन है आपको भरना स्टार्ट करेगा, ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। इसी समय आपकी गवाही आएगी अगले हफ्ते और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, दुबई से, यूके से, कुवैत से, लंदन से, कैलिफोर्निया से, इटली से, मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, ग्रीस से, जर्मनी से, पवित्र आत्मा जापान से, कोरिया से, पवित्र आत्मा दुबई से, दुआ कतर से, जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं परमेश्वर इन्हें आशीष दे और इनकी आशीषें डबल कर दे आदि यीशु के नाम, डबल कर दो, जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, रतिया से जुड़े हुए हैं इसी समय पवित्र आत्मा जी, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से, बीज बो रहे हैं परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना ही करता हूँ परमेश्वर ने ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में आशीष दे, आमीन। मैं अभी देख रहा था कि एस्तर नाम और कोई मारिया, वैसे देख रहा हूँ कोई घर में कोई डॉटर और ऐसे कोई बैड बच्चे कोई बैड कंपनी में चले गए, आप परेशान हैं, पवित्र आत्मा कर आपको आशीष मिल रही है इसी समय, फ्री हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज़ मिल रही है। मैं एक अभी और प्रार्थना करूँगा, एक गवाही सुनेंगे फटाफट जल्दी से, उसके बाद मैं उन लोगों के नाम लूँगा जो बीज बो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुने सबको जय मसीह की, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, और मेरा नाम आरती है, मैं यूपी से हूँ, और मेरी गवाही ये है कि मेरी ओवरी में सिस्ट थी और मैंने अनॉइंटिक वाटर ऑयल को यूज़ किया और मेरी सिस्ट निकल चुकी है। सारी आदर महिमा परमेश्वर के दास को देती हूँ और प्रोफेट जी का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। किस बहन को गिल्टियाँ थी, सीस थी, गांठे थी और यूपी से सुन रही थी, पवित्र आत्मा ने जाद किया जब ऑनलाइन को उसने सुना, देखो कितनी बड़ी सिस्ट और गांठे इसके बच्चेदानी में से बाहर आ गई, तो इसका मतलब परमेश्वर सुनता है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि ये मीटिंग जो होने के लिए जा रही है संडे चर्च, अनॉइंटिंग वाटर और साल्ट के साथ होने के लिए जा रही है, आप जब इसे पिएंगे, कर्जे उतरेंगे, फाइनेंस खोलेंगे, या कोई भी इसका कोई फीस नहीं है, आपके लिए फ्री में अनॉइंटिंग वाटर और साल्ट आपको दिया जा रहा है, वहीं पर आपको पीना है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा, और जो इनके पास बच्चा नहीं हो उनको मैं अपने हाथों से दूंगा और वो ब्लेस होंगे और उनके लिए प्रार्थना करूंगा बाद में। तो इसी समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, अबलाबा शबला, मैं देख रहा हूँ कोई कुवैत से मुझे देख रहा है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है यीशु मसीह के नाम में, कोई दुबई से देख रहा है और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि आपके पास घर नहीं है, आप एक घर बनाएंगे इंडिया के अंदर, आप कमाएंगे वहाँ, लेकिन आप वहाँ पैसा लगाकर वेस्ट ना करें, होली स्पिरिट ने मेरे को बोला भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं मुझे,
कोई आप घर बनाना चाहते हैं, कोई कनाडा से मुझे सुन रहा है और उसके पास जॉब नहीं है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आपकी जॉब के लिए ब्लेसिंग खोल रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं जैसे सुन देख रहा हूँ जैसी का, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि कोई ऐसे आप किसी बात के लिए चिंतित हैं, कोई टेस्ट है आपका, कोई चिंतित है और इसी समय परमेश्वर गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ GNRSPMODLK नाम वाले हर एक टेस्ट में पास होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ में करेगा। बिजनेस का टेस्ट हो, या आपको इस साल में जॉब लेने का टेस्ट हो, या फिर आप किसी परीक्षा में जा ना पा रहे हो, मतलब कोई पाप को छोड़ ना पा रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहे हैं हर टेस्ट में पास हो रहे हैं, गुड न्यूज आ रही है। हाँ, नाम बताएंगे शामज, प्रेयर करेंगे उनके लिए। सुप्रिया, हाँ, सुरेंद्र, हाँ, जीवन, सचिन, महेश, मैरी, रुचा, राजन, सरिता, राहुल, जनक, जेम्स। देखो ये इन लोगों के नाम जो अभी प्रभु के आत्मा ने बताए कि भाई ये लोग बीज बो रहे हैं, मिस पास्टर सपना ने बताया कि अभी आपने बीज बोया है टेस्ट। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा आज से तुम्हारे रोने और विलाप करने के दिन समाप्त हो जाएंगे, आप से आप आनंद करने लगेंगे, अब से आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। जिस चीज़ में आप संघर्ष कर रहे थे, जैसे कुछ भी लेने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है कि आप सालों साल से मकान बनाने का संघर्ष कर रहे हैं, जॉब लेने का, बाहर जाने का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कह रहे जब बीज दिया जाता है तो वो संघर्ष खत्म हो जाता है। देखो प्रेरितों के काम में एक जगह पर कुरनेलियुस के बारे में देखते हैं, तो वो कुरनेलियुस क्या कर रहा था, कुरनेलियुस जो है वो परमेश्वर के का बड़ा भय मानने वाला व्यक्ति था, और वो 3 टाइम प्रार्थना करता था रेगुलर, उसकी अटैचमेंट थी और बहुत दान दिया करता था, लेकिन परमेश्वर उसकी फिर भी नहीं सुनता था, उसको ऐसा महसूस होता था। हो सकता है कि आप दान भी देते हो, बीज भी देते हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि सुनता नहीं है, लेकिन आपके बीच में एक भविष्यता होना चाहिए, आपके बीच में कोई प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। तो जब इसी समय जब उनके लिए प्रोफेसी किया, प्रार्थना किया, तो उसी समय क्या हुआ, कुरनेलियुस के जीवन में परमेश्वर ने देखा इसके बोने वाला है, तो उसी समय उसके बीच में कोई नहीं था, लेकिन निराशा उस दिन से परमेश्वर ने उसकी ख़त्म कर दी। उसको दर्शन दिया और उसको दर्शन में कहा कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, देख ली गई हैं, तो ग्रहण कर ली हैं, स्वीकार कर ली हैं। जब आपने मेरे कहने पर आज बीज बोया, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको आज से परमेश्वर आपको पसंद करेगा, मतलब आज से आपके साथ ऐसा होना शुरू होगा कि आपको लोग पसंद करेंगे। आप कहेंगे कि यार मैं कहीं जा रहा हूँ, तो आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा, आपकी गाड़ी चेंज होने वाली है, याद रखना, आपका ड्रेसअप कोड चेंज होने वाला है, आपका फाइनेंस चेंज होने वाला है, आपका बैंक जो जिस खाते में जितने पैसे आते थे अब वो उतने नहीं आएंगे, अब उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। याद रखना, ये भविष्यता आपके लिए प्रोफेसी कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा ने मुझे अभी कहा कि इनको बोल कि मैं इनको आशीर्वाद दूंगा। 2 तरह की प्रोफेसी होती है, एक प्रोफेसी होती है कि प्रभु दर्शन के द्वारा दिखाता है, एक प्रोफेसी होती है कि जब कोई भेंट देता है तो प्रभु का आत्मा कहता है कि उसके लिए बोल, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला तू नहीं, बोलने वाला मैं हूँ। तो इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, मजबूर कर रहा है कि इनको बोल और ये बात बता, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, गुड न्यूज़ आएगी। जो लोग इस समय ऑनलाइन बीज बो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। और एक नाम बताओ और कौन है, हाँ सुनो, अभी इसी समय रामलखन आप घर बनाएंगे, जल्दी आपके लिए रास्ते खुलेंगे। सुचित्रा, कोई शादी का कोई प्रॉब्लम है, होली स्पिरिट ने मुझे बोला कोई फैमिली में कोई ऐसे कोई आपका या किसी का कोई प्रॉब्लम है, या तो शादी हो गया या कोई घर में अनबन चल रही है, या फिर कोई शादी होने वाला है, उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा, गुड न्यूज़ मिलेगा। और क्या था गोपाल, हाँ सुनो, निर्मला, बबली, साक्षी, सुनो, होली स्पिरिट ने मुझे कहा निर्मला आप एक नया घर बनाएंगे, बबली परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा आप एक कार लेंगे, और इसी समय और क्या नाम है, साक्षी रेणुका, हाँ साक्षी रेणुका, होली स्पिरिट ने कहा कोई टेस्ट आप क्लियर करेंगे, जल्दी से कोई टेस्ट दो, और मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट टेस्ट दो, कोई जल्दी दो, गुड न्यूज़ मिलेगा, चाहे आपका बच्चा है, जो आपका कोई फैमिली है। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ इसी समय कोई सागर है, और इसी समय नया बिजनेस आपका खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कोई कुलविंदर मुझे देख रहा है, और इसी समय आपका कोई कार भी बनेगी, लाइसेंस भी बनेगा, हर चीज़ बनेगी, घर भी बनेगा, परमेश्वर का आत्मा आपके बंधनों को तोड़ेगा। वैसे समय देख रहा हूँ कोई इटली से मुझे और कैलिफोर्निया से देख रहा है, आप घर के लिए और नए बिजनेस के लिए परेशान है, इसी समय गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। वैसे समय देख रहा हूँ मलेशिया से है कोई वीज़ा चाहता है अनदर कंट्री का, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि जिसके नाम GNRSPBKL
अनदर कंट्री जाएंगे, अभी आप काम से जाएंगे, बिजनेस से जाएंगे, काम जाएंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, सफल हो जाएंगे, गुड न्यूज़ मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा जल्दी आपके लिए ऐसा कुछ करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे, हाँ उसके बाद प्रेयर करेंगे। हाँ जी, सबको जय मसीह की, प्रभु जी को जय मसीह की। मेरा नाम लोचन नाग है, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी ये गवाही है कि मेरे दोनों किडनी में इन्फेक्शन हो गई थी, जिसके कारण चलने में सांस फूलना, शरीर में दर्द और सूजन रहता था और कहीं जाने आने में तकलीफ होती थी। और जब मैंने लैब अटेंड की, उन्होंने बोला एनोइंटिंग ऑयल और वाटर यूज करो। इस समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनके हाथ में एनोइंटिंग वाटर ऑयल है, इसी समय गुड न्यूज मिलेगा आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। विश्वास के साथ एनोइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया और मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी। इसके लिए मैं परमेश्वर के दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। सुन रहे थे गवाही, कहाँ से थी ये? छत्तीसगढ़ से थी और इसके पैरों में प्रॉब्लम था, किडनियों में प्रॉब्लम था और जैसे इसने ऑयल वाटर को यूज़ किया इसकी स्वेलिंग चली गई, किडनियाँ चंगी होगी। परमेश्वर का आत्मा प्रार्थनाओं को सुनता है, तो अभी इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम थी इसको? इन्फेक्शन था, तो इसी समय आज़ाद हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एलर्जी थी, इन्फेक्शन था, आज़ाद हो रहे हैं। अपने हाथों को उठाऊँ, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको इन्फेक्शन है, एलर्जी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। परमेश्वर का आत्मा गुड न्यूज़ देगा जो लोगों के लिए मैंने आज भविष्यवाणी किया, जिन लोगों के लिए बताया। जब आप बिलीव करते हैं तो उसी समय बस आपके, और एक और ध्यान से सुनना, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में प्रोफेसी पूरी नहीं हुआ। यिर्मयाह ने क्या कहा? कहता है कि पर वहाँ पर आप पढ़ेंगे जब 18 के 1 से लेकर 8 तक अपने घर में बैठकर ध्यान से पढ़ें। उसने कहा इसराइल के लिए मैंने भविष्यवाणी किया यिर्मयाह, जब इनमें मैंने कोई अशुद्ध बात देखी, जब इनमें मैंने कह रहा कि देखा कि इनमें दोष दिखा, जब इन्होंने मेरी आज्ञा को नहीं माना, इन्होंने मुझे तुच्छ जाना, तो कहता है कि मैंने उसी समय कहता है कि अपना विचार बदल दिया। आप समझ रहे हैं? तो कई भविष्यवाणियाँ रुक जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। अब यीशु मसीह पूरा करेगा आपके लिए, लेकिन अब अपने आपको तैयार रखें और हौसला बढ़ाएं। और ख़ासकर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि जो लोग छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार, पंजाब से कहीं से भी अगर BTH करना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, तो अभी पिछले दिनों हमने काफ़ी लोगों को BTH का ट्रेनिंग दिया। मैं चाहता हूँ कि भी आप जाएँ और आप ब्रांचें खोलें, ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं, तो इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। और जो हमारे स्क्रीन पर स्कैन देख रहे हैं एक्सिस बैंक, उसमें बीज बो रहे हैं, उनको आशीष मिले। और हमने बहुत सारे बच्चे ब्रांचों से बुलाए, इधर से बुलाए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं कैमरा सीखने के लिए, लाइव सीखने के लिए। इधर आ देख, जैसे एक लड़का है, देखो इधर हमने गोद लिए हुए, आ जाओ शाबाश, लाइव में दिखाते हैं इनको, बैठ जाए नीचे। ये लड़का है देखो, इसके डैडी नहीं है इधर, इसके डैडी नहीं है, लेकिन मैंने इसको गोद ले लिया। लेकिन क्यों ले लिया? क्योंकि इसके बाल जो है ना थोड़े से नाइजीरियन है, इसलिए ले लिया। मैंने इसको नाइजीरिया भेजूंगा इसको ट्रेन करके, इसको भी एक दिन पास्टर बनाऊंगा। लेकिन अभी ये मीडिया में अभी सेवा कर रहा है, ये बच्चा अभी मीडिया में सेवा कर रहा है, अभी ये सेवा करेगा और थोड़े दिनों के बाद आशीषित हो जाएगा। मतलब सेवा करने के बाद फल आता है, देखो जैसे इसके बालों में फल आया। तो आप ऐसे ही बता रहे कि फल आएगा, बैठ जाओ। तो हम ऐसे बच्चों को दान ले लेते हैं जिनका कोई ना हो, लेकिन ईमानदार हो। लेकिन कुछ बच्चे हैं, ये बच्चा जब तक यहाँ रहा कोई इसका कोई बैड रिलेशन किसी के साथ नहीं है, कोई किसी के साथ बुराई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, सही कह रहा हूँ, तो कोई भी शराब नशा नहीं करता। तो ये ऐसे बच्चे जब आप बन कर आएंगे तो परमेश्वर काम करेगा और एक दिन इनके जीवन में चमत्कार होंगे। मतलब हम अपने बच्चों की तरह रखते हैं उनको और ब्लेस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर BTS शुरू हो रही है, पास्टर सपना, मीनू और मैं भी खुद उनको पास्टर शोक बाइबल ट्रेनिंग देंगे, प्रोफेटिक क्लास देंगे, और आप जल्दी से 1 महीने की है वो, जल्दी जल्दी आओ। मैंने पीछे भी दिया था और वो बच्चे तैयार कर दिए, उनको भी सर्टिफिकेट देने हैं अब। तो आप इसी समय 1 महीने में, क्योंकि आपने बाइबल पढ़ी हुई है, 30 दिन में आप परमेश्वर के ज्ञान को लें और प्रभु आपको बढ़ाए, और जाओ आप ब्रांचें संभालो और परमेश्वर ब्लेसिंग दे आपको। तो इसी समय आइए हम सब प्रभु की महिमा करेंगे, एक और गवाही दिखाएंगे जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। हाँ, पापा जी को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मेरा नाम गुप्ती है, मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। मेरी गवाही ये है, पापा जी कह रहे थे जिसके पास बेटा नहीं है, बेटा मिलने को जा रहा है, उनके पास बच्चे नहीं है, इसी समय ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ KMRPST
बेटी कह रहा कि छठा मीना आप बेटे की खुशखबरी को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी की खुशखबरी को सुनेंगे। और उनके बाद मुझे बहुत ब्लीडिंग होने लगे थे, मैंने डॉक्टर से बहुत दवाइयाँ की, मैंने सब कुछ किया पर मैं ठीक नहीं हो रही। मेरे लिए चंडीगढ़ चर्चिल एंटीवायरल वाटर लाइन और जो पापा जी कहते हैं वो पूरा होता है, मैंने विश्वास के साथ लगाया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आज मैं 7 महीने की सात महीने से प्रेगनेंट हूँ। पापा जी की जय मसीह की और इस मसीह की जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। थे अभी के बहन यूपी से थी और काफ़ी महीनों सालों से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और जैसे इसने एनॉइंटिंग वाटर ऑयल को लिया परमेश्वर ने इसको गर्भवती कर दिया, मतलब कि इसको ब्लेसिंग मिला बच्चे की। ये परमेश्वर की ओर से बातें हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग बस बच्चा नहीं है, विश्वास करो, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे, बच्चे की आशीष दे, घर की आशीष दे। आज से अन्य भाषा उतरे, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस उतरे, मेरे प्रभु तेरी सामर्थ उतरे, तेरे मिराकल शक्ति इनके हाथ पर उतरे प्रभु। याद से इनका भला होने पाए, शमसी का गुड न्यूज मिले। आमीन आमीन आमीन। ये प्रभु की ओर से बातें। और जिन लोगों ने अभी बीज बहन के नाम बोल, शाबाश। वर्षा, जिरम्या, सागर, कमली, अभिषेक, गीता टोपो, तरसेम। जिन लोगों ने बोया वर्षा, तरसेम, सागर, कमली, नाम क्या रखा तेरी माँ ने, कमली, तो कमली। और आप सुने, किसी भी काम में आप टॉप करने वाले हैं। आपके लिए आज की ये भविष्यवाणी है, इसको लिख लो, 8 महीने के अंदर पूरी होगी। आप किसी काम में टॉप होने वाले हैं, मतलब कि आपको जैसे गिरा दिया गया था, जैसे यूसुफ को गिरा दिया गया था, ऐसे परमेश्वर आपको एकदम से उठाएगा। आपके अपनों ने गिरा दिया हो, आपके लोगों ने गिरा दिया, आपके दोस्तों ने गिरा दिया हो, मतलब कि या शैतान ने आपको पाप में गिरा दिया हो, लेकिन आप फिर से टॉप करेंगे, मतलब फिर से आप उठेंगे, फिर से आप ब्लेसिंग को पाएंगे और आप ग्रोथ करेंगे। आप चर्च में ग्रोथ करेंगे, बिजनेस में ग्रोथ करेंगे, पढ़ाई में ग्रोथ करेंगे, किसी चीज़ में आपको टॉप आएंगे। मतलब लोग कहेंगे आपको आने वाले समय में कि यार ये देखो कि ये बंदा क्या था और क्या बन गया, कैसे एकदम से नंबर वन हो गया। तो परमेश्वर कुछ करने वाला, आप मतलब इतिहास रचेंगे, कोई ऐसा बड़ा काम अपनी लाइफ में करेंगे, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग उतरेगी। बहुत सारे लोग जो भविष्यवाणियों को सुनना चाहते हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ ऐसे ही, जो लोग बीज बोया करेंगे मैं उनके लिए भविष्यवाणी करूँगा, उनको बताऊँगा और परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। तो आइए हम एक और गवाही को सुने। हाँ जी सुनेंगे गवाही को। पापा को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मैं 1 साल से कनाडा के लिए ट्राई कर रही थी, मेरा हो नहीं पा रहा था। फिर पापा ने मम्मा को खड़ा करके भविष्यवाणी करी थी कि आपकी बेटी कनाडा जा रही है, क्या मीठा मीठा हंस सकती है? 100% बेटी कनाडा जा रही है यीशु मसीह के नाम में। Yes. क्या आप मीठा मीठा हंस सकते हो? मीठा नाम यहोवा। फिर हमने भविष्यवाणी को रिसीव किया, उसके बाद मेरा कनाडा का वीजा आ चुका है। मैं पापा और प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। देख रहे हैं कि इसमें आप इस प्रोफेसी को ध्यान से सुना, आपने देखा कि उस लेडीज को मैंने चर्च में उठाया और खड़ा किया, कि कहा कि जा, तेरी बच्ची कनाडा जा रही है, जा, खुश हो, परमेश्वर का आत्मा दे रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है। और मैं उस बुराई करने वाले को बोलता हूँ जो चैनल पर बैठ के बोल रहा है, उसको बोल रहा हूँ भाई देख, यहाँ पर बताया कि जा, तेरी बेटी कनाडा जाएगी, और वो सुन ले और देख ले अच्छे से। और ये, और वो कनाडा ही गई है, कनाडा का ही उसका वीज़ा लगा है, मतलब कि हर बार। तो मैं तो ये भी बता सकता हूँ आपका नाम क्या और आप कौन है, कहाँ से हैं। हर बार परमेश्वर कभी किसी के बारे में नहीं बताता, ये याद रखना कि प्रोफेटिक करना मुझे ना सिखाओ, मुझे प्रोफेसी करना आता है, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, परमेश्वर ने मुझे बताया है, मतलब कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। हमारे जो प्रभु करता है उसकी अगुवाई में हमें चलना पड़ता है, ठीक है ना। पहले भविष्यता क्यों नहीं बताते थे, क्योंकि कानून होते थे पहले, और उसमें वो थोड़ा शब्दों में बोलते थे, बताकर बोलते थे, मतलब कि दृष्टांत। यीशु मसीह ने दृष्टांतों में क्यों बताया, यीशु मसीह ने उदाहरणों में क्यों बताया, समझ रहे हैं? कुछ कानून होते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें हमें ऐसे बतानी पड़ती हैं, कई बार ऐसे बतानी पड़ती हैं। अगर मैं कह दूं वहाँ ट्रेन गिरेगी तो कहेंगे इसी ने गिराई होगी ट्रेन, समझ गया ना। हाँ ठीक बोल रहा हूँ। तो आप अभी लाइव देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो से अगर आप कट मार के वो लेना चाहते हैं, अपने नंबर बनाना चाहते हैं, अपने अकाउंट में पैसे डलाना चाहते हैं, लेकिन आप अपमान करेंगे तो आप भुगतेंगे, परमेश्वर देखता है।
एक आदमी की गवाही दे रहा हूँ, किसने मेरे बारे में बुराई किया उसकी जीप कट गई और उसके बाद वो उसकी फैमिली चर्च आई प्रार्थना कराने के लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ना करें ऐसा, परमेश्वर आपको वाच कर रहा है। अब ऐसे ही उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों ने दान दिया है, हाँ उनके नाम बोले, नीलम गौरी कीरा नीलम, हाँ बोलते रहो जो लोग भी इस समय ऑनलाइन है उनके नाम बोलो। प्रेमा साक्षी आप सुन रहे हैं, आपके नाम को आशीष मिल रही है, अनीता बबीता गौरी अंजू लुइस, जो भी समय लाइव देख रहे हैं मैं उनको ब्लेस कर रहा हूँ। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, हर प्रकार की बीमारी आपके ऊपर से भाग जाए यीशु मसीह के नाम। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं जिनके नाम लिए गए अभी, परमेश्वर का आत्मा करा आज से तुम हर चीज में अपनी फैमिली में ग्रोथ देखोगे, शांति देखोगे यीशु मसीह के नाम, आमीन। तो आप सुन रहे थे अभी कि जो भविष्यवाणियाँ किया वो पूरी हुई। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ प्रभु का आत्मा बोलता है, जो लोग सुन रहे हैं विश्वास करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर हाथ रखने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने मन को खाली करके आओ, कोई अगर आप किसी की ये भविष्यता की पत्नी अगर किसी की बातों में आ जाती कि तेरा पास्टर ऐसा है तेरा पास्टर वैसा है, तो वो कभी भी सक्सेसफुल ना होती, कभी भी अपनी लाइफ में वो कर्जा ना उतार पाती। इसका मतलब उसको मालूम था कि इसके ऊपर आशीष है, भविष्यता के ऊपर आशीष होती है कि वो बंधनों को तोड़े। आपके पास्टर के ऊपर आशीष है कि वो बंधनों को तोड़े, मतलब कि परमेश्वर ने भेजा है। इसलिए आप विश्वास करें, आपके ऊपर से बंधन टूट रहे हैं और आशीषें खुल रही हैं आपकी। आपको किसी बात की चिंता नहीं करना, पवित्र आत्मा आज से आपके ऊपर बहुत सारे अनुग्रह को उतार रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग को दे रहा है। तो आप जहाँ पर भी बैठे हैं आप गुड न्यूज़ को देखेंगे, इस साल में ब्लेसिंग को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते, फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग बीज बो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो लोग इस संडे आ रहे हैं उनके अनॉइंटिंग वाटर ऑयल स्पेशल ले हैंड जो करवा रहे हैं उनके लिए होगी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल, उनके लिए अलग से मैं प्रार्थना करूँगा। और जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनको वो मैं पानी दूंगा प्रार्थना का, और गुड न्यूज़ मिलेगी। विश्वास करना, बस आपको विश्वास के साथ आना है, लेकिन आपको छत्ती के छत्ती गुड़ नहीं मिलाने। और इस संडे आपके लिए कुछ अद्भुत होगा, अद्भुत प्रचार होगा, अद्भुत आप पेट पकड़ पकड़ कर हंसेंगे, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो आप आनंद करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ हो, बनी रहे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी जिन्होंने वचन को सुना आज से अपने मन को खाली किया है, पवित्र आत्मा निराशा चिंता के मन को बर्तन को खाली कर दिया है पवित्र आत्मा जी आज से, तो आपके डोर को बंद कर दिया परमेश्वर, इनके लिए बड़े बड़े डोर खुल जाए यीशु के नाम। जिन्होंने बोया पवित्र आत्मा इस बार वो खाली ना जाए, तेरे चर्च में जब आए प्रभु ब्लेसिंग पाए यीशु मसीह के नाम, आमीन। आज्ञा मानने वाली स्त्री के साथ 5 मिनट बाद मिराइकल हो गया, आमीन। आप कितने दिन में मिराइकल कराना चाहते हो, आज्ञा मान कर आ रहे हो, स्पेशल ले हैंड प्रे आप करा कर देखो, देखो गुड न्यूज़ मिलेगा। जितने लोगों ने स्पेशल ले हैंड पे कराया गुड न्यूज़ मिला। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने भी बोया है परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और फिर से कह रहा हूँ कि जैकब याकूब यूसुफ और ऐसे कुछ नाम मैं देख रहा हूँ NRGMP नाम वाले, इस महीने में आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी फाइनेंस में। गुड न्यूज़ सबको, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी बहुत ही अद्भुत गवाही है कि मैंने बता नहीं कि 4 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन वो इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैसे ही विश्वास के साथ चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया, बता रहे परमेश्वर ने दिल्ली पुलिस में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। तो बाबूजी नदी नदी के, तो बाबूजी नदी नदी के, यीशु दी में ही मां गावांगे गावांगे, ओ यीशु दी में ही मां गावांगे गावांगे। तो बाबूजी नदी नदी के, तो बाबूजी नदी नदी के, तो बाबूजी नदी नदी। हालेलुया, देख रहे हैं आप परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। आपके सामने है, मैंने कहा था गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे लोग। हाँ हाँ, गवाही सुनते देंगे बेटे। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी मेरी बहन 4 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी बट हो नहीं पा रहा था। आपने दिसंबर में प्रोफेसी करी थी कि बी नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिल रही है, मैंने रिसीव किया और गवर्नमेंट जॉब से आज मेरी बहन ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। किस में लगी नौकरी? दिल्ली पुलिस में। पुलिस में, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। कभी हम आए गाड़ी गुड़ी लेके चला ना काटियो हमारा।
हाँ भाई गवाही के साथ टेस्ट मनी नेक्स्ट 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 कते आया करो कते जाया करो कते आया करो कते जाया करो यीशु नाम विच भंगड़े भी पाया करो यीशु नाम विच भंगड़े भी पाया करो यीशु नाम विच भंगड़े भी पाया करो बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रवृत्ति बहन बता रही काफी समय से इनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रही थी। चर्च आए, अब से स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए और आपने कहा था लगातार तीन दिन बीज बोना, तीन दिन स्पेशल बीज बोया, बता रहे हैं गवर्नमेंट जॉब आ गई है। ओ तो दुबंगू जी नची नची के, तो दुबंगू जी नची नची के। हेलो यीशु मसीह की, देखो एक और गवर्नमेंट जॉब। हाँ हाँ बताएंगे, शाबाश बेटे। सारे पापा जी को जय मसीह की, सारे कलिसिया को जय मसीह की, सारे। हाँ हाँ शाबाश। मेरे पति 2012 से जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और अब उनको गवर्नमेंट जॉब से वो आशीष पा चुके हैं, प्रोफेसी को रिसीव किए हैं, पापा जी ने प्रोफेसी। कितना कितना उम्र है आपके पति का? 40-45 साल है। 40-45। हमने सुना था जब मैं 25 का था, अब आगे तो नहीं बताऊंगा कितने का हूँ। 25 का था तो क्या हुआ उस समय पता है? मैंने सुना कि 28 के बाद नौकरी लगती है, हमने नौकरी छोड़ ही दिया और आपके सामने देखो आज 45 वाले 50 वाले भी नौकरी लग रहे हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, आपको हिम्मत नहीं हारना। जो मुझे सुन रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, आपके सामने दिल्ली से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं लोग, बता रहे हैं हरियाणा से, पंजाब से लोग यहाँ पर आकर गवाही देते हैं, टेस्टमनी देते हैं कि परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब दे दिया, जिनके नाम ANRSPLV से है। तैयारी करो अक्टूबर में गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है। सियाम ओ सियाम ओ सियाम दीवाने नहीं यीशु दे दीवाने आ, ओ सियाम दीवाने नहीं यीशु दे दीवाने आ। यीशु मसीह की, जो नाचता है ना, नाचता है वो अपने ऊपर से दुख को झाड़ देता है। एक बात बताऊं, जो नाचता नहीं है क्या वो दुखी आदमी नाच सकता है? हैं? तो इसका मतलब जब वर्शिप करते हो आप, बाइबल बताती है जब आप नाचते हैं और गाते हैं, खुश होते हैं, तो अपने ऊपर से दुख को झाड़ रहे हैं। आज झाड़ दो, आज झाड़ो। ओ सियाम ओए इधर नहीं, अबे उधर झाड़ो, उधर झाड़ो, झाड़ो। फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। ओ सियाम ओ सियाम ओ सियाम दीवाने नहीं यीशु दे दीवाने आ, ओ सियाम दीवाने नहीं यीशु दे दीवाने आ। प्रॉफिट जी बहन बता रही है कि 4 साल से इसकी दोनों किडनियों में पथरी थी, जब ये चर्च में आए इन्होंने विश्वास के साथ एनेंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया और ये बता रही है कि इनकी दोनों पथरियां बाहर आ चुकी है, रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। मैं किसी को सुनूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं किसी को सुन। हाँ हाँ बेटे गवाही के साथ, गवाही के साथ नेक्स्ट गवाही कर दे। ठीक है, पथरियां थी बेटे आपको, माइक कर रही थी सामने, पथरी पथरी कब से आगे कर थोड़ा सा, ये डीजे सी जैसे। हाँ पथरियां कब से थी? 4 साल से। 4 साल से कैसे निकली, कैसे निकली? तेल और पानी ले गई, तेल और पानी ले गई और लगाई और पथरी गायब हो गई, पथरी गायब हो गई। अभी ये रिपोर्टें आपकी हैं जी पापा जी, रिपोर्टें देख सकते हैं आप इसी की हैं। कह रही कि पथरियां गायब हो गई हैं, रो रो कर बता रही है प्रॉब्लम थी, ये रो इसलिए रही है, दवाई भी खा रही थी, आराम नहीं आ रहा था, जब अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया पथरियां गायब हो गई। बोलो हालेलुया। ओए यूपी के पथरियां नहीं, पथरियां कह रहा हूँ, बैठ जाओ नीचे, पथरियां गायब हो गई हैं, हालेलुया। हाँ जी हाँ जी, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट गवाही के साथ। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं। सिट डाउन सिट डाउन। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। देखो लाइन लगी हुई है। ये भाई बता रहा है कि इसका एक्सीडेंट हो गया था और बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण इसको हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज, और ये 3 महीने कोमा में था
पर जब ये चर्च में आया और इन्होंने प्रोफेसी रिसीव करी और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया विश्वास के साथ, डॉक्टर कह रहे थे कोई उम्मीद नहीं है, पर जिन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट चंगी हो चुकी है, ये कोमा से बाहर आ चुका है। किसी को छू लूंगा पवित्र कर।